हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि वाष्प सृजन एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, समझाइए, यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि वाष्प सृजन एक आवश्यक बुराई है क्यों, ठीक है, और यह कथन किसने दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कथन किसने दिया। तो यह कथन जो है कर्टिस व स्टीवर्ट ने दिया था, ठीक है। और वाष्प सृजन पौधे के लिए एक अहितकारी क्रिया है, परंतु पौधे वाष्प सृजन पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जब भी पर्णरंध्र खुले होंगे, जो कि गैसीय विनिमय के लिए आवश्यक है, तब रंध्रीय वाष्प सृजन अवश्य होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गैसीय विनिमय तथा रंध्रीय वाष्प सृजन को पृथक नहीं किया जा सकता है। गैसीय विनिमय होने से पौधे चाहते हुए भी वाष्प सृजन के अभिशाप से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसी कारण कर्टिस व स्टीवर्ट ने इसे क्या कहा, एक आवश्यक बुराई कहा है। वाष्प सृजन की क्रिया निरंतर होने से पौधों में तीव्र जल न्यूनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पौधे जो होते हैं को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, ठीक है। वाष्प सृजन के खतरे से बचने के लिए पौधों को अनावश्यक रूप से अतिरिक्त जल अवशोषण की विशेष व्यवस्था रखनी पड़ती है, जिसके लिए पौधों को कुछ ऊर्जा का व्यय भी करना पड़ता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वाष्प सृजन अनिवार्य है, अर्थात पौधे चाहते हुए वाष्प सृजन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो वाष्प सृजन होता है, ठीक है, वह जो होती है अहितकारी प्रक्रिया होती है। मतलब कि जब भी रंध्र खुलते हैं, जो कि गैसीय विनिमय के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, तो वाष्प सृजन हो जाता है। और अगर वाष्प सृजन होगा तो जल का जो होगा हानि होगी, और जल हानि होगी तो क्या होगा, पौधे में जल की कमी से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके कारण जो होते हैं, न चाहते हुए पौधे क्या करते हैं कि अधिक मात्रा में जल को क्या करते हैं, मृदा से अवशोषित करते हैं, ठीक है, जिससे जो है जल की कमी ना हो। अब वाष्प सृजन के कारण पौधे में होने वाली क्रियाएँ यानी कि लाभ क्या क्या होता है, पहले वो देखते हैं हम, ठीक है। तो पौधों में रसारोहण वाष्प सृजन अपकर्ष पर निर्भर करता है, ठीक है। इस क्रिया से जड़, तना व पत्ती की जाइलम वाहिकाओं में एक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चूषण बल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बल क्या करता है कि जड़ से जो होते हैं जल का अवशोषण करने में सहायक होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, चूषण बल कहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, मृदा जल जो होता है मूल रोम से अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष तक पहुंचता है, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा जो फायदा क्या है वो देखते हैं हम, जो है पादप शीतन प्रभाव। तो पत्तियों पर आपतित सौर ऊर्जा का लगभग 65% भाग जो होता है पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है। सौर ऊर्जा पत्ती में तुरंत ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। यदि इस क्रिया का उपयोग किसी कार्य में नहीं किया जाए तो तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि पौधा कुछ समय से अधिक जीवित नहीं रह पाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा पत्ती में बढ़ती है, ठीक है, तो उसकी जो अधिकांश जो मात्रा होती है वो क्या होती है, तुरंत ही जो होती है ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। और यदि इस ऊर्जा का उपयोग कार्य में नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा कि तापमान बढ़ जाएगा, जिससे पौधा कुछ समय से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। अतः जो वाष्प सृजन होता है, ठीक है, कि क्रिया पौधे को शीतलता प्रदान करती है और उसे झुलसने से बचाती है। अब दूसरा जो इफेक्ट है इसका, वो क्या है, मूल तंत्र का विकास। वाष्प सृजन मूल तंत्र के विस्तार एवं परिवर्धन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है। अतः प्रचंड वायु के अतिरिक्त पादप प्ररोह खड़े होकर जो होते हैं जीवित रह सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो इसका लाभ है वो क्या है, तो पादप से अतिरिक्त जल का निष्कासन होता रहता है। वाष्प सृजन द्वारा पादप से अवशोषित जो अतिरिक्त जल को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पौधे के समस्त भाग की कोशिकाएँ जो होती है सामान्य रूप से स्फीति बनी रहती है, तथा पादप की विभिन्न उपापचयी क्रियाएं सामान्य रूप से जो होती है संपादित होती रहती है। अगर जल की मात्रा पौधे में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पौधे की कोशिका की जो स्फीति अवस्था है वो बढ़ती जाएगी, और स्फीति दर बढ़ने से क्या होगा कि पौधे की जो कोशिका है वो फट जाएगी। इसलिए अनावश्यक जो जल है उसका बाहर निकलना भी आवश्यक होता है। अब चौथा जो इसका लाभ है हम देखते हैं, तो यांत्रिक ऊतकों का विकास। वाष्प सृजन की उच्च दर पौधे में यांत्रिक ऊतकों का परिवर्धन में जो होती है सहायक होते हैं। यांत्रिक ऊतक क्या होते हैं, तो जो जाइलम होता है हमारा क्या होता है, यांत्रिक ऊतक कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पांचवा लाभ क्या होता है इससे, तो पांचवा लाभ है मृदा से अतिरिक्त जल का निष्कासन, ठीक है। तो मृदा में जो अतिरिक्त जल होता है, वर्षा ऋतु में मृदा में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके मृदा वातन एयर सोइल एयर तथा खनिज लवणों की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मृदा जड़ों की वृद्धि के लिए जो होती है अनुपयुक्त हो जाती है, ठीक है। और वाष्प सृजन क्रिया जो होती है अतिरिक्त मृदा जल को पादप के माध्यम से निकाल कर इसे क्या करती है, पौधे के लिए उपयुक्त बनाती है। तो वर्षा ऋतु में जब पौधे जो होते हैं उनकी जड़ जो मृदा के अंदर होती है, तो मृदा में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसके कारण क्या होती है, खनिज लवणों की जो होती है कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसी स्थिति में जो वाष्प सृजन होता है वो मृदा के जल को कम करता है, और जो मृदा जो होती है वो पौधे के जड़ के लिए उपयुक्त बनाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वाष्प सृजन से क्या हानियाँ होती है, ठीक है। तो वाष्प सृजन पौधे के लिए हानिकारक भी होता है, क्योंकि अवशोषित जल का लगभग 97% भाग जो होता है जलवाष्प के रूप में त्याग दिया जाता है। वाष्प सृजन द्वारा होने वाले प्रमुख हानिकारक प्रभाव जो है निम्न प्रकार है। सबसे पहला है प्रोटीनों का विघटन। तो पौधे के अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन उपापचयी अभिक्रियाएं जल प्रतिबल अवस्थाओं से प्रभावित होती है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है
और प्रोटीन विघटन तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो जल की कमी में क्या होता है, प्रोटीन विघटन जो होता है बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं दूसरी जो इसकी कमी है वो क्या है, तो वृद्धि में कमी। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने के कारण पौधे के अग्रभाग में जल के बहुत जो होती है कम मात्रा पहुंच पाती है, अतः इनकी स्फीति जो होती है गिर जाती है, और वाष्पोत्सर्जन द्वारा अधिक मात्रा में जल का ह्रास करने वाले पादपों में वृद्धि जो होती है बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो वृद्धि जो होती है बहुत कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उपज में कमी, ठीक है। तो तीसरा जो इसका हानिकारक प्रभाव वो होती है उपज में कमी। तो ये वैज्ञानिक थे हमारे टुमारो जो थे, 1925 में इन्होंने बताया अपने अध्ययनों में, इन्होंने पाया कि एक बार पौधे में ग्लानी उत्पन्न होने पर 50% से अधिक उपज में जो होती है कमी हो जाती है। जल की कमी होने पर पौधों में पुष्पन देरी से कम, फलों की संख्या व कम फल फूल जो होते हैं, फूल और फल जो होते हैं कम उत्पन्न होते हैं और छोटे रह जाते हैं, ठीक है। तो उनकी साइज भी जो होती है कम रह जाती है, ठीक है। तो जो हमारी यील्ड होती है उसमें भी कमी हो जाती है वाष्पोत्सर्जन के कारण, ठीक है।